हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजेश साजवानी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी के बारे में। सो अगर आप भी क्यूरियस हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना कमाता है वाई प्लेसमेंट और वाई एक्सपीरियंस्ड, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। सो बने रहिए। सो बेसिकली आज मैं आपसे दो टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा। पहला, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, जब आपका प्लेसमेंट होता है तो आपको कितनी सैलरी ऑफ़र होती है अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री ले रहे हैं। एंड सेकेंड, मैं आपसे एक फार्मूला शेयर करूँगा टू चेक योर CTC इज़ करेक्ट एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड और नॉट। सो जो भी CTC या पैकेज आपको ऑफर्ड हो रहा है वो एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड है या नहीं, या आपका CTC कम है या आपका CTC ज़्यादा है, ये सब आप चेक कर सकते हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं बात कर लेता हूँ डिप्लोमा होल्डर्स की, या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस से कोर्स कर रहे हैं, चाहे जो CS में है, IT में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कोर्स कर रहे हैं पॉलीटेक्निक से। सो पॉलीटेक्निक स्टूडेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर में आना चाहते हैं, सो उनके लिए पैकेज 1.8 लाख से 2.8 लाख वेरी करता है। और अब सेकंड बात करता हूँ डिग्री होल्डर्स की, या जो भी BE करते हैं, BTech करते हैं। सो डिग्री होल्डर्स के लिए ये पैकेज हो सकता है 2.5 से 4.5 लाख तक। सो जो भी कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, वो आपको 2.5 से 4.5 लाख तक का पैकेज ऑफर कर सकती हैं। सो ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल कॉलेजेस की, जो भी कॉलेजेस आपके स्टेट में हैं, अच्छे रैंक के हैं, रैंक 1 से 10 में आते हैं। यहाँ IIT, NIT एंड BITS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल कॉलेजेस की। सो जिस भी स्टेट से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, जिस भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर वहाँ कोई भी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, सो वो आपको 2.5 से 4.5 लाख तक का पैकेज ऑफर कर सकती है। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक फार्मूला। सो वो फार्मूला है एक्सपीरियंस इंटू टू। सो जितना भी आपको एक्सपीरियंस है उसका 2x एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड होता है इन IT इंडस्ट्री। सो सपोज़ आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर है, सो आपका पैकेज 10 लाख होना चाहिए एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड। अगर आपका पैकेज 10 लाख से कम है, सो इसका मतलब आपको अपना पैकेज बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आपका पैकेज ज़्यादा है, सो यू आर डूइंग गुड इन IT। तो ये एक्सपीरियंस इंटू 2x, 3x और 4x भी हो सकता है। मीन्स 5 ईयर एक्सपीरियंस के बंदे का पैकेज 15 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस पे, उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जो भी कंपनी उसे रोल्स ऑफर कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर कर रही है। थर्ड वन, उसके स्किल सेट पे, कि उसका स्किल सेट क्या है, क्योंकि IT वी आर यूजिंग ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज और स्किल सेट हैं। जैसे अगर आप DBA हैं या आप डेटा साइंटिस्ट हैं, सो आप हडूप का यूज़ कर रहे हैं, बिग डेटा का यूज़ कर रहे हैं, या आप डेवलपर हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं कि बैक एंड डेवलपर हैं, या आप एक फुल स्टैक डेवलपर हैं, अगर आप QA हैं, आप एक टेस्टर्स हैं, तो डिपेंड ऑन दैट आपकी सैलरी वेरी हो सकती है। बट एक्सपीरियंस इंटू टू, इट्स अ बेसिक फार्मूला, ये एक मार्केट स्टैंडर्ड का फार्मूला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो अगर आपकी सैलरी इस ब्रैकेट में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप अपने स्किल सेट इम्प्रूव करके उसको इस ब्रैकेट में ला सकते हैं। एंड आप 3x 4x भी ले सकते हैं जैसा मैंने आपको मेंशन किया, बट वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजीज पे प्लस प्रोजेक्ट बजट पे भी। सो जिस भी कंपनी के लिए आप रिक्रूट हो रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप रिक्रूट हो रहे हैं, अगर उसका बजट है आपको 3x देने का आपके एक्सपीरियंस का, सो वो आपको 3x दे सकते हैं, आपको 4x भी दे सकते हैं। बट ये उनका बजट होना चाहिए और आप में उतनी स्किल सेट होनी चाहिए, आप उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फिट बैठने चाहिए। सो ये बात हो गई कैंपस प्लेसमेंट की, कि जिनका कैंपस सिलेक्शन होता है। एंड सपोज़ जिनका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, सो ऐसा नहीं कि उनकी जॉब नहीं लगती, उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज में जॉब लगती है, बट उनको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ता है, उनको एक अच्छा रिज्यूमे तैयार करना पड़ता है, उनको उसको नौकरी पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। सो थोड़ा स्ट्रगल उन्हें ज़्यादा करना पड़ता है जिनका कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है उनसे। सो उसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाएं, और आप उस रिज्यूमे को नौकरी पोर्टल पे अपलोड कैसे करें जिससे आपको मैक्सिमम कॉल्स आएँ नौकरी के लिए,
के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। सो ये था एक ब्रीफ वीडियो अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।